तो आपने देखा कि किस तरह से वीनस अगर एक से सातवें घर में है आपकी कुंडली में तो रिजल्ट देता है। आज हम जानेंगे कि यदि वीनस आपके आठवें घर में है तो क्या रिजल्ट देगा। तो वीनस जो है वो कारक का है सेवंथ हाउस का, तो जैसे ही सेवंथ हाउस का कारक होके वो आठवें घर में जाता है तो सबसे पहला ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो मैरिज के लिए करता है, क्योंकि ये मैरिज के लिए ये मारक भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके मैरिज को खत्म कर सकता है। वीनस के पास संजीवनी है और संजीवनी लेके अगर ये आठवें घर में जाता है तो ये आपके लिए ये आयु कारक साबित होता है। आपको ये लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वीनस का अष्टम घर का प्लेसमेंट करता है। साथ ही साथ वीनस के पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है, ये चीजों को बदलता है, और जब वो आठवें घर में जाके संजीवनी विद्या को लेके जाता है तो यहाँ पे ये आपको बहुत सारी जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। आपकी बॉडी को ये बार बार रिजुनेट करेगा, आपकी बॉडी को बार बार ये वो ताकत देगा जिसके कारण ये अपनी लाइफ को और बड़ा कर पाएगा। सैटर्न और विनस बहुत जो है आठवें घर में आयु कारक है, लेकिन अगर सैटर्न आपको आयु देता है, सैटर्न अगर आपकी आयु को बढ़ाता है तो उसमें रोगों का और तकलीफों का बहुत सारा योगदान होता है, लेकिन जब वीनस आपकी आयु को बढ़ाता है ये बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर तरह का या अच्छी तरह का लाइफ होता है जहां पे आपकी आयु बहुत अच्छी और बड़ी होती है। वीनस जो है वो डिजायर का प्लैनेट, और डिजायर का प्लैनेट जब सीक्रेसी में जाता है तो यहाँ पे वो सीक्रेटिव रिलेशनशिप, जहाँ पे अनिथिकल रिलेशनशिप आपको हो सकता है। साथ ही साथ ये आपके पार्टनर के मारक भाव में वीनस जा रहा है, तो पार्टनर के मतलब सातवें घर के, तो ये आपकी वीनस के लिए मतलब आपकी वाइफ के लिए या आपके स्पाउस के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपकी स्पाउस या आपकी वाइफ की आयु यहाँ पे कम कर सकता है। यहाँ पे जो है ये साइकिक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। वीनस इन द एट्थ हाउस आपकी साइकोलॉजी रिलेटेड रिसर्च के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। साथ ही साथ ये संपत्ति जो है वो ससुराल से संपत्ति का जो योग है ये वीनस एट्थ हाउस प्लेसमेंट दर्शाता है। यहाँ पे रह के वो फूड की तरफ देखता है, मतलब सेकंड घर की तरफ देखता है। जब वीनस आठवें घर में बैठेगा तो सातवीं दृष्टि से सेकंड भाव की तरह देखेगा। वीनस कारक है एडिक्शन का, वीनस कारक है लग्जरी और भोग का, इसी वजह से जब ये सेकंड हाउस की तरफ देखता है तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये आपको ऐसी फूड हैबिट्स मतलब एडिक्टिव फूड हैबिट जैसे नॉन वेज, लिकर, ऐसी फूड हैबिट्स में आपको ये लेके जा सकता है। यहाँ पे वृश्चिक राशि है, सेक्स राशि है, तो यहाँ पे ओवर सेक्सुअल ड्राइव भी किसी व्यक्ति में आ सकती है। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस रहेगा तो ये शादी तो पक्का ब्रेक करेगा। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर यू टू डू रिसर्च इन वेदांता, मतलब वेदों से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। और मटेरियलिस्टिक चीजों की रिसर्च के लिए भी, मतलब भोग विलास की चीजें उनके रिसर्च के लिए भी आठवां अष्टम प्लेसमेंट ऑफ वीनस इज वेरी गुड। यहाँ पे ये आपको एक अनएक्सपेक्टेड जो है गेन्स दे सकता है, पैरेंटल प्रॉपर्टी के गेन्स सकता है इन टर्म्स ऑफ दी लग्जरी व्हीकल्स, ज्वेलरी, ऐसी चीजों ये ला सकता है। और ऐसे में अगर ये जो हाउस है एट्थ हाउस वो दसवें इसका 11वां है, मतलब दशम भाव से अगर आप गिनेंगे तो आठवां अगर 11वां है इसका मतलब ये इच्छा पूर्ति है, मतलब बिजनेस की इच्छा पूर्ति। इसीलिए वीनस इन द सेकंड एट्थ हाउस कैन गिव यू अ वेरी इजी लोन्स फॉर योर बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे ये आपको वीनस रिलेटेड चीजों में तकलीफ दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में वीनस आठवां अगर तकलीफ का है तो यहाँ पे ये होगा। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट प्लांट है तो ये लोग बहुत स्पिरिचुअल और डोनर भी होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता चलती है वीनस की आठवें घर की प्लेसमेंट। इसी के साथ हम लोग सीखेंगे अगली बार कि किस तरह से वीनस एट्थ हाउस प्लेसमेंट आपको रिजल्ट देता है। अगर यदि आप चाहते हो कि हमारे वीडियो इसी तरह के आपके पास आए तो मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो और हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन है कि कब हम नया वीडियो अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सो।